थाना प्रभारी हनुमना की अवैध कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी। दो बाल अपचारियों से 5 किलो अवैध गांजा जब्त कर की कार्यवाही। महूगंज पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन में SDOP महूगंज अंकित सूर्या के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी हनुमना राजेश पटेल के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर दो बाल अपचारियों से 5 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 50,000 आंकी गई। हनुमना थाना प्रभारी राजेश पटेल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पता चला कि दो व्यक्ति एक हरे पीले रंग के प्लास्टिक झोले में अवैध मादक पदार्थ की खेप लेकर प्रतापगढ़ की ओर लेकर जा रहे हैं। जैसे ही थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही थाना प्रभारी हनुमना राजेश पटेल द्वारा तत्काल रेड किया गया, जिसमें ग्राम कोरिया विद्यालय के पास दो बाल अपचारियों को धर दबोचा। दोनों बाल अपचारियों से 5 किलो अवैध गांजा बरामद कर कार्यवाही करते हुए दोनों बाल अपचारियों को किशोर न्यायालय में पेश किया गया। हनुमान थाना प्रभारी के सक्रियता से 32 किलो अवैध गांजा जब्त कर कार्यवाही की गई। सुभाष पटेल की रिपोर्ट। आज सुबह विशेष सूचना मिली थी कि गांजा बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। सूचना पर से रेड कार्रवाई की गई थी। रेड कार्रवाई पर दो बाल अपचारियों को पुलिस कस्टडी में लेकर तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 4 किलो 925 ग्राम गांजा बरामद किया गया है और प्रकरण तैयार करके माननीय न्यायालय में भेजा गया है।